अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 75 में पीएस फाउंडेशन की जनसंपर्क कार्यालय का भव्य शुभारंभ। अंधेरी पूर्व विधानसभा चुनावी क्षेत्र में बदलाव की तरफ अग्रसर हो रही है। जी हां, आपको बता दें कि अंधेरी पूर्व विधानसभा में हमेशा से ही चुनावी दंगल का दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलता है, लेकिन अंधेरी पूर्व विधानसभा में समस्याएं ज्यों का त्यों धरी की धरी रह जाती है। इन्हीं समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए पीएस फाउंडेशन के संस्थापक व पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने अंधेरी की जनता समस्याओं को सुनने के लिए सभी वार्डों में जनसंपर्क कार्यालय खोलने की बात कही है, जिसमें पहला कार्यालय अंधेरी पूर्व विधानसभा चुनाव क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 75 में भव्य तरीके से कर दिया है, जहां पर लोगों ने प्रदीप शर्मा को शुभकामनाएं देते हुए आने वाले चुनाव में साथ देने का वादा किया है। बता दें कि पीएस फाउंडेशन के संस्थापक व पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा इस बार चुनाव लड़ने के मूड में हैं और पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि किस पार्टी के बैनर तले वह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फाउंडेशन अंधेरी की जनता से पिछले 8 साल से जुड़ा हुआ है। पिछले 8 साल से पीएस फाउंडेशन के सभी सदस्य समाज कल्याण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये देखा गया है कि बेसिक एमिनिटीज जो हैं उनसे भी यहाँ की जनता वंचित रहती है। तो हर घर तक पहुँचने के लिए पीएस फाउंडेशन के सभी सदस्य वचनबद्ध हैं। विकी अड़सुले जी ने एक यहाँ कार्यक्रम ये जनसंपर्क पीएस फाउंडेशन का कार्यालय खोला है। हर हफ्ते मैं खुद भी एक दिन यहाँ आया करूँगा और जनता की जो भी समस्याएं होंगी जनता से मैं निवेदन करने वाला हूँ कि आप लिखित में अपनी समस्याएं इस कार्यालय में 75 वार्ड में जो जनसंपर्क कार्यालय उसमें दें, उनका सभी का निरासन पीएस फाउंडेशन करेगा। जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि लगातार आपकी लोगों के बीच आप पहुंच रहे हैं, उनके समस्याओं को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, कई बैठकें भी आपने की, ऐसे में कई लोगों को ऐसी इच्छा है कि आप राजनीति में आए, क्योंकि राजनीति में आने के बाद ही उनकी वो सारी समस्याएं दूर हो सकती। तो आपका क्या मानना है? अगर जनता चाहेगी तो जरूर राजनीति में आऊँगा, लेकिन फिलहाल हम लोग समाज कार्य कर रहे हैं। जो पिछले 8 साल से हम लोग कर रहे हैं, ये 75 वार्ड में हमारा कोई भी कार्यालय नहीं था, तो यहाँ की जनता से जुड़ने के लिए उनके हित के लिए हम लोगों ने एक कार्यालय खोला है। ये समझिए कि जनता हमको बहुत प्यार दे रही है और ये परिवार जो पीएस फाउंडेशन का परिवार है वो बढ़ता जा रहा है। मैं स्पेशली विक्की अड़सुले को बोलूँगी, जो हमारे बहुत ही इंटेलिजेंट बोला जाएगा कि हमारे सदस्य हैं हमारे पीएस फाउंडेशन के, उनके मेहनत से ही आज ये कार्यालय खोला है। और जैसे सर ने सारा डिटेल बताया है कि जनता के साथ वन टू वन जुड़ने के लिए ये कार्यालय खोला है, तो आप सब आइए, जुड़िए, पीएस फाउंडेशन का एक परिवार बनिए, सदस्य बनिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दीजिए। आज प्रदीप शर्मा जी के मार्गदर्शन में जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, बहुत ही सराहनीय काम हुआ है वार्ड क्रमांक 75 की जनता के लिए। ये बहुत बड़ा ही शुभ अवसर है, इसमें मेडिकल क्षेत्र में, एजुकेशन क्षेत्र में, बीएमसी के काम में बहुत सारी हेल्प होने वाली है। ये हमारा कार्यालय पहला कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और आने वाले समय में पूरे अंधेरी में जगह जगह पे हमारे कार्यालय खोले जाएंगे। और मकसद एक ही है कि माननीय श्री प्रदीप शर्मा जी को यहाँ की जनता से कनेक्ट किया जाए और उन्हें आने वाले समय में आमदार बनाया जाए। जनता से एक ही दरख्वास्त है कि वो लोग प्रदीप शर्मा जी के पास आएँ और अपनी तकलीफें हैं उनको बताएँ, उसका निवारण वो जरूर करेंगे। पीएस फाउंडेशन पूरे अंधेरी में हर वार्ड में कार्यालय ओपन करने जा रही है। ये प्रथम कार्यालय है वार्ड 75 का, इसके बाद सभी वार्डों में पीएस फाउंडेशन अपना कार्यालय का उद्घाटन करेगी बहुत जल्द। वजह शर्मा साहब का कहना है कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है, हमें उनके सुख दुख में पहुंचना है और उनके दुखों का निवारण करने के लिए कार्यालय के माध्यम से हम लोगों तक पहुँच पाएंगे। शुभ कार्य है, इसका स्वागत होना चाहिए, समाज के हर वर्ग ने इसका स्वागत करना चाहिए। बहुत बड़ा उत्साह का विषय है, हर्ष का विषय है कि समाज के एक अच्छे समाज सेवक समाज की सेवा करने के लिए मैदान में उतरे हैं पिछले 9 वर्षों से, और इनका कार्यकाल ये कोई पहला नहीं है। पिछले 9 वर्षों से अंधेरी की जनता ने देखा है कि किस तरह से कार्य कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो,
चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, हर चीज़ में नंबर एक पे एनजीओ के तहत, पीएस फाउंडेशन के तहत कार्यक्रम हुआ है, इसलिए ये सराहनीय के पात्र हैं। और ये ऐसे कार्यालय हर जगह खुले तो जनता की सेवा और बेहतरीन ढंग से होगी। माननीय प्रदीप शर्मा जी, आज 9 साल से इतने प्यारे ढंग से इसको संचालित कर रहे कि जनता बिना बुलाए चले आ रही है, और ये खुशी की बात है। हर वार्ड में इनका ऑफिस खुले और जितनी भी पब्लिक है सब आवे और सब अपने अपने काम को उचित करें, यही मेरा कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे? शर्मा जी, पीएस फाउंडेशन की तरफ से अनेक ज़रूरतमंदों को अनेक राहत कार्यों में जब जब तकलीफ आई 9 वर्षों के अंदर पूरे अंधेरी विधानसभा क्षेत्र के गरीबों को उत्थान के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। माँ जगदम्ब में इसी प्रकार से इनको शक्ति दे ताकि आगे भी अच्छा कार्य करते रहें। और प्रदीप शर्मा जी, दिन दूना रात चौगुना आपके साथ, गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें, यही मेरी शुभकामना है। आज का शुरुआत है, आज पहले कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, ऐसे पूरे विधानसभा में पीएस फाउंडेशन के और 9 कार्यालयों का बहुत ही जल्द यही रुख देखने मिलेगा। वार्ड नंबर 75 मध्ये पीएस फाउंडेशनच्या कार्यालयाचं उद्घाटन होतंय, हे अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे। कारण साहेबांनी या वॉर्डमध्ये 4-5 वर्षापासून जी मेहनत केलेली आहे ती सर्व कार्यकर्त्यांना घेऊन जी सभासेवा करतात ती सर्वांच्या यश साहेबांना यश प्राप्त करून देईल असं मला वाटतं।